हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं, सर्कस मूवी का ट्रेलर आ चुका है, 3 मिनट से ऊपर का ट्रेलर है और ये एक अच्छा खासा एंटरटेनमेंट करने में कामयाब होती है ट्रेलर। इसमें आपको रणवीर सिंह और भी सारे स्टार्स में देखने के लिए मिल जाएंगे और इस जो ये मूवी है ना एकदम तहलका मचाएगी 23 दिसंबर को। इस हिसाब से मज़ा आ रहा है ना ट्रेलर देखने में, उस हिसाब से यही है कि ये मूवी 200 करोड़ पार है और उससे भी अच्छा ये कलेक्शन करेगी। इसी के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को यहाँ पे एक से एक बढ़कर अपडेट मिलता रहेगा, मूवी रिव्यू और रिएक्शन एड टू जेड मिलेगी। तो ओवरऑल ये यही लगता है, एक रणबीर कपूर जो है ना वो सर्कस में काम करने वाले हैं, एक जो हैं वो एक बड़े फैमिली में रहने वाले हैं और ये दोनों का कनेक्शन रहता है। और जो बोलते हैं ना एक करेंट का मसला है इसमें, गाना जो ये जो है करेंट लगा रहे, रेंट 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 करेंट लगा रहे, ये भी गाना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा है। और जो वो करेंट को पकड़ते हैं, बिजली को पकड़ते हैं तो उनको कुछ होता नहीं है ऐसा दिखाया गया है। और इसके वजह से दोनों में डिस्टर्ब चलेगा, दोनों में प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये जो कुछ करेंगे जैसे कि जुड़वा मूवी में होता था ना, ये कुछ करेंगे तो उनको भी कुछ होगा बोल के ऐसा ऐसा मसला चलेगी। इसी के इर्द गिर्द में ये कहानी है और कॉमेडी से भरपूर ये होने वाली है। थोड़ा बहुत लास्ट में जाने के बाद में ये लगा कि शायद हो सकता है गोलमाल का ये पहला पार्ट हो, शायद ऐसा ही लग रहा है क्योंकि बच्चे लोग हैं और ये पूछते हैं तुम लोगों का नाम क्या था, माधव, उसके बाद में ऐसा बोलते हैं ना ओ तो इसके ही हिसाब से लग रही है कि ये गोलमाल में से ये भी कनेक्ट होने वाली है, उसी के साथ में ये भी चलने वाली है। तो बोला अगर टाइमिंग की बात करें तो ये तो पहले का टाइमिंग लग रहा है क्योंकि वो लोग बचे हैं तो कैसे कनेक्ट होगा मालूम, रोहित शेट्टी सर जानते हैं क्योंकि वो एक जीनियस डायरेक्टर हैं और हर एक काम को मुमकिन को नामुमकिन कर सकते हैं। तो अच्छा लग रहा है ओवरऑल। आप लोगों ने अगर ये ट्रेलर देखा हुआ है तो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइए। जो भी एक्टर का इसमें सीन दिखाया गया ना, जो भी थोड़ा बहुत कॉमेडी किए हैं, जो भी उनका सीन दिखाया गया परफेक्ट है। दीपिका पादुकोण का एक सॉन्ग होने वाली है, उस सॉन्ग को देखने के बाद में यही लग रहा है कि यार अच्छा जोड़ी है वो लोग का और ये जोड़ी, ये जो सॉन्ग आएगी वो सॉन्ग एकदम तहलका मचाएगी क्योंकि वो लोग का साथ का जो कोई भी सॉन्ग है, कोई भी मूवी है तो सुपर डुपर हिट गई है। तो ये भी एकदम 100% तय है कि ये भी मूवी सुपर डुपर हिट जाएगी। ऐसा मूवी का बहुत ही ज़रूरत है बॉलीवुड में, ऐसा मूवी आएगी तो पब्लिक ऑडियंस सिनेमा घरों की तरफ रुझाएंगे और सिनेमा घर एक अच्छा खासा कलेक्शन करने में, बॉक्स ऑफिस में अच्छा खासा मतलब चलेगी आगे। तो आप लोगों को क्या लगता है ये मूवी है 200 करोड़ से ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, आप लोग कमेंट बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप लोग यहाँ पे एक से बढ़कर अपडेट मिलता रहेगा, मूवी रिव्यू और रिएक्शन ए टू जेड मिलेगी। तो आप लोग अपना राय व्यक्त कर सकते हैं कमेंट में। चलिए मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।